ये देखिए दोस्तों, हमारा आम का एकदम सुपर डुपर अचार बनके एकदम रेडी हो चुका है। आपको दिखाते हैं नजदीक से, तो एक बार मेरे तरीके से आप भी जरूर बनाइए। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लगता है, एकदम खाने में तो इतना टेस्टी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए और बनाकर हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा ये आम का अचार आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पूजा पूनम की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं कच्चे आम का अचार। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया है 1.5 kg आम। इसको अच्छे तरीके से धोके और एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है ताकि इसमें पानी न रहे। तो अब हम इसको पहले काट लेते हैं। तो काटने के लिए हमने यहाँ पे एक हंसिया रखा है, क्योंकि छुरी से हमसे आम नहीं कटाता है, तो इसलिए हमने आज इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम आम को कट कर लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, बीच से कट कर लेंगे। इस तरीके से इसमें आठ ही आ गया है, तो इसी आम ऐसे ही आम का अचार बहुत ही बढ़िया होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका जो बीज का गुठली है इसे निकाल देंगे और इस तरीके से इसे चार चार टुकड़े में कट कर लेंगे। इस तरीके से एक आम में चार फड़िया होगा, इसको कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे आम को कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने सारे आम को कट कर लेंगे। इसी तरीके से सारे आम को हम कट करते जाएंगे, देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आम में इस तरह की पत्ती रहती है, इसको जरूर निकाल दें, नहीं तो इसका अचार खराब हो जाएगा। इस तरीके से तो जो पत्ती होती है इसके अंदर, इसे निकाल दीजिए अच्छे तरीके से, इसे अंदर से साफ कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे आम को कट कर लिया है, इसका गुठली निकाल दिया है और एकदम अच्छे तरीके से पहले ही साफ कर लिया था, क्योंकि काट के हम इसे नहीं धोएंगे, नहीं तो पानी का असर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने आम को पहले ही धो लिया था और अच्छे तरीके से एक कॉटन के कपड़े में साफ कर लिया था और फिर इसको कट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। इस तरीके से इसमें हम नमक डाल देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, हल्का सा एकदम, 2 चम्मच के करीब डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करेंगे कि एक एक टुकड़े में पूरा हल्दी समा जाए, उसका फ्लेवर आ जाए इसमें। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। और अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा एक दिन इसमें धूप लगा लेंगे। तो जब तक इसमें हम धूप लगने के लिए रखते हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए, अचार में मसाला डालने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच के करीब धनिया, 1.5 चम्मच लिए हैं गुलकी, 1.5 चम्मच लिए हैं सौंफ और 2 चम्मच लिए हैं अजवाइन मंगरैल और 1.5 चम्मच लिए हैं जीरा। तो इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस जला दिए हैं और इस पे चला दिए हैं एक फ्राई पैन। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब, बड़ा चम्मच है इसमें, राई,
और इसमें डाल देंगे ये धनिया, गोलकी, जीरा और सौंफ। अजवाइन मंगरेल हम कच्चा ही डालेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी खुशबू आने लगे। तब गैस को बंद कर दें। तो हमको ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसे रोस्ट करना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। बस उतना ही रोस्ट करना है। तो देखिए इसमें सुगंध आना शुरू हो गया है। बस एक मिनट के लिए और इसे भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों मसाला हमारा भून चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं तो इसको ठंडा होने के लिए दूसरे प्लेट में रख लेते हैं। और इसी पैन में हम भून लेंगे थोड़ा सा मेथी, जिसको हमने धो के रखा था, अच्छे तरीके से सूखा नहीं था तो इसीलिए थोड़ा सा धूप में रख दिए थे। तो सूख गया है तो इसको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे चला के। तो देखिए मेथी भी हमारा भून चुका है तो इसे भी हम रख लेते हैं उसी मसाले के साथ। इसको भी हम पीस लेंगे ठंडा करके। अब हम इसी पैन में क्या करेंगे, डाल लेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से हम पहले गरम कर लेंगे ताकि जब तक हम अपना मसाला ठंडा करके कूटेंगे तब तक तेल हमारा गरम हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको ठंडा करेंगे, इसके बाद ही उसमें डालना है। तो इसीलिए हम इसी के साथ साथ इसको भी हम गरम कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो चूल्हा को हम ऑफ कर दिए हैं और अब इसको हम ठंडा होने देंगे क्योंकि तेल हमेशा ठंडा करके ही डालिएगा, नहीं तो अचार एकदम उमस हो जाएगा। इसलिए तेल ठंडा करके ही हमेशा डालना चाहिए अचार में। तो ये देखिए दोस्तों मसाला हमारा हो चुका है ठंडा। तो हम इसको डालते हैं एक मिक्सर जार में और इसे अच्छे तरीके से दरदरा पीसेंगे। पूरा मेहनत नहीं करेंगे, बस दरदरा पीस लेंगे। इसमें हम इसको पीस लेंगे। देखिए दोस्तों मसाले को हमने दरदरा सब पीस लिया है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए दोस्तों जो आम हमने कट करके रखा था, नमक हल्दी डाल के वो पानी भी छोड़ दिया है, देख सकते हैं। कैसा पानी छोड़ा है। तो इस पानी को भी हम नहीं निकालेंगे, इसी में हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने जिस मसाले को कूट के रखा था इसको डाल देते हैं इसमें। मसाला थोड़ा ज्यादा दर लग रहा है तो इसको थोड़ा कम रख लेंगे और किसी अचार में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन और मंगरेल, जो कि हमने इसको कूटा नहीं है, इसको खड़ा ही डालते हैं। हमको खड़ा ही अच्छा लगता है, आपको अगर कूट के पसंद हो तो आप कूट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जाएगा चटपटा के लिए काला नमक, काला नमक से इसका टेस्ट गजब का आता है एकदम, बहुत ही चटपटा बन के अचार हमारा रेडी होगा। तो काला नमक जरूर डालें। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो नमक थोड़ा हम पहले कम ही डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला था और काला नमक भी डाले हैं, तो इसलिए नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। तब हम इन सारी चीजों को करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। जब तक हम मिक्स करते हैं हमारा तेल ठंडा हो रहा है, तो तेल अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा रुक के ही डालेंगे। तो चलिए चेक करते हैं तेल हमारा ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों तेल हमारा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है, गरम नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। और अब हम इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एकदम अचार बनके रेडी है। इसको 2 से 3 दिन तक हम धूप में सुखाएंगे और इसके बाद एक कांच की जार में हम इसको
स्टॉल करके रख देंगे, आप इसे सालों साल स्टॉल करके खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है, एकदम टेस्टी लग रहा है, आ रहा है ना मुंह में पानी एकदम। तो इस तरीके से एक बार आम का अचार जरूर बना, एकदम चटपटा अचार बन के रेडी होगा आपका मेरे तरीके से बना के। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आम का अचार आपको कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के रेडी हो चुका है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।